जिला कुल्लू की ज्येष्ठा पंचायत के नीनू में अवैध खनन के खिलाफ लोग लामबंद हो गए। मामला रविवार सुबह का है, जब ज्येष्ठा सहित कई गांव को जोड़ने वाले पीडब्ल्यूडी के रोड निर्माण कार्य को एक व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की। जैसे ही लोगों को पता चला कि रोड का काम को कोई रोक रहा है, तो ज्येष्ठा सहित कई गांव के लोग व महिला मंडल मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को रोक रहे खनन माफिया को वहां से खदेड़ दिया। लोगों ने माफिया का सामान भी जब्त किया। वन विभाग की टीम को भी ग्रामीणों ने मौके पर बुलाया और अवैध खनन सहित माफिया की पूरी जानकारी दी कि किस तरह पहाड़ ब्लास्ट कर खोखले कर दिए हैं। वहीं काम पर लगे ठेकेदार ने भुंतर थाना को सूचित किया। भुंतर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी के बयान कलमबंद किए। हालांकि खनन माफियों के औजार भी वहीं पर पड़े मिले। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई सालों से जोगराज नाम का एक व्यक्ति यहां पर अवैध खनन कर गड़सा स्टोन बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। सरकार को लाखों रुपए की रॉयल्टी का चूना लग रहा है, लेकिन वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खनन विभाग भी खामोश है। ग्रामीणों ने कहा कि अवैध खननकारियों की हौसले इतने बुलंद हैं कि जो सड़क कई गांव की सुविधा के लिए निकल रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन लोगों का अवैध धंधा खूब फल फूल सके। ग्रामीणों का कहना है कि खनन करने वालों ने पहाड़ खोद कर कई सुरंगें बना दी हैं, पहाड़ में ब्लास्ट कर अंदर कमरे बनाए हैं, वहां से आसानी से स्लेट निकाला जा रहा है, जो मार्केट में गड़सा स्टोन के नाम से मशहूर है और काफी कीमती है। इस गोरख धंधे में कौन कौन सम्मिलित है, यह जांच का विषय बन गया है। वहीं डीएफओ पार्वती प्रवीण ठाकुर ने कहा कि मौके पर वन विभाग की टीम भेजी गई है, खनन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।